गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलते हैं आज थ्योरम नंबर 10.6। इसमें मैंने दो तरीके से लिखे हैं जिस तरीके से एग्जाम्स में आने के चांस होते हैं। पहला, एक वृत्त की बराबर या समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर या समदूरस्थ होती है। मतलब जो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, ये इस केंद्र से इक्वल बराबर या समान दूरी पर है, समदूरस्थ है, ये बताना है। सर्वांशम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। क्या बोला? सर्वांशम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्रों से समान दूरी पर होती हैं। मतलब वृत्त, अगर दो वृत्त हैं अलग अलग और उनकी जीवाएं समान हैं, तो भी उनकी जो केंद्रों से जो समान दूरी है वो समान होगी। तो दिया है एक वृत्त COR, हमने एक वृत्त COR ले लिया। AB इक्वल टू CD, AB किसके बराबर है? CD के बराबर है। OE परपेंडिकुलर है AB पर और OE OF परपेंडिकुलर है DC पर। हमें सिद्ध करना है OE इक्वल टू OF। कैसे करना है? OE इक्वल टू OF। रचना, OB तथा OC को मिलाया, किसको मिलाया हमने? OB और OC को मिला दिया। उपपत्ति, हम जानते हैं कि वृत्तों के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को संद्विभाजित करता है, ये प्रमेय है हमारी। इस प्रमेय के अनुसार जो AB और CD है, इस पर जो लंब OE और OF डाले गए, इनकी वजह से ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। आप देखो, AB और DC का BE CF और AE DF, ये दोनों बराबर होंगे। तो इसको हम डॉट डॉट वन मान लिया। चलते हैं अब आगे। ट्राइंगल OEB और OE OFC में, OEB और OFC में, मैं यहां भी बना लेता हूं ट्राइंगल OEB और OFC में। OEB और OFC के अंदर क्या है एंगल? OEB OEB ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण क्या होंगे? प्रत्येक 90 डिग्री हैं। OB और OC एक ही वृत्त की त्रिज्या है, OB और OC एक ही वृत्त की त्रिज्या है। EB और FC, EB FC ये क्या है? समीकरण एक से, भी हमने थोड़ी देर पहले बताया था ये कि दोनों की दूरी समान हो जाएगी। अब हम कहते हैं ट्राइंगल, ये दोनों जो ट्राइंगल थे ये सर्वांशम हो जाएंगे, ट्राइंगल OEB और ट्राइंगल OFC। क्यों? राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड इसके द्वारा। तो हम कहेंगे OE इक्वल टू OF, OE इक्वल टू OF किसके द्वारा? CPCT द्वारा। यही हमको सिद्ध करना था। उम्मीद करता हूं इस थ्योरम समझ में आई होगी। अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के शेयर कीजिए और इस थ्योरम के बारे में बताइए। थैंक यू।